देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 670 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। 3 सप्ताह में इसमें 18 अरब डॉलर से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इंडिया जो है, इट इज गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड इंडिया कैन बी द नेक्स्ट इकोनॉमिक पावर हाउस। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आंसर क्या दिया है बेलारूस को कि अब हम आत्मनिर्भर चाइना की तरफ जा रहे हैं, अब हमने इंपोर्ट करनी बंद करनी है। आपने कभी ये वर्ड पहले सुना है कभी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आत्मनिर्भर आपने कभी सुना हो। और भी चाइना बोल रहा है, यानी कि कॉपी भी करने की इतनी इनकी आदत है कि कोई भी मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं ये लोग कॉपी कर लेते हैं। चीज और गलत की है पाकिस्तान की हाई कमीशन जो इंडिया में, उन्होंने राहुल गांधी को आम भिजवा दिए, उस पे बीजेपी वाले नाराज हैं, उनको चाहिए था मोदी जी और बाकी लोगों को भिजवाते, सिर्फ कांग्रेस में आम भिजवा दिए पाकिस्तान एम्बेसी ने। मैं तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये किसी ने उड़ाई है बात। इतने महंगे आम तो वहां किस तरह वो भाई अफोर्ड कर सकते हैं लोगों में बांटे। मेरा अपना ख्याल ये है कि क्योंकि हमने असल में वो ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ, अपने फेलियर्स, अपने जो कमजोरियां हैं, अपने फेलियर्स को बचाने की खातिर इस पूरी कौम को ट्रक की बत्ती, और ट्रक की बत्ती इस वक्त इमरान खान है जिसने शायद अपने पीछे भी एक पाइड पाइपर की तरह कुछ हिस्सों को लगाया हुआ है, और हमने भी उसको ट्रक की बत्ती बना के उसके पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ है। हम लगे रहे तालिबान के चक्कर में, इंडिया जो है वो आज इकोनॉमी हो रही है, बातें हो रही हैं, वन डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं। पैनासोनिक जो है वो कह रहा है कि हम इंडियन मार्केट को देख रहे हैं। मैं एक कंपनी है उसका नाम है निसान, भारत में भी उनकी गाड़ियां बहुत बिकती हैं। उन्होंने अभी अभी अनाउंस किया कि उन्होंने एक प्लांट शुरू किया था 2020 में, वो उसे असेंबली लाइन को बंद कर रहे हैं चाइना में। चाइना जो है उसकी डिक्लाइन नजर आ रही है। यही तो वो चीज है कि अमेरिकन एंड सारे के सारे वेस्ट खड़े हैं, आते हैं कि हम ये जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना और ताइवान से उठा के इंडिया ले जाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दुनिया भर में चल रहे तबाही के बीच एक तरफ जहां अमेरिका और चीन के शेयर मार्केट में रातों रात तबाही आ गई, वहीं दूसरी तरफ भारत अभी भी दुनिया को चौंकाता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर के स्टॉक मार्केट जहां गिर रहे हैं, वहीं भारत के स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा ही गिरावट देखा जा रहा है। अमेरिका चीन की हालत ऐसी है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट से करीब एक दिन में $4 ट्रिलियन समाप्त हो गए, वहीं चीन के करीब $1.5 ट्रिलियन उनके मार्केट से रातों रात साफ हो गए। इस गिरावट का कारण दुनिया भर में चल रहे वॉर, चाहे इजराइल हमास हो या रशिया यूक्रेन हो या इजराइल ईरान क्राइसिस हो, लेकिन भारत का इस पे असर ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। लगातार दुनिया भर से भारत में इन्वेस्टमेंट आते जा रहे हैं। देश का फॉरेन रिजर्व 2 अगस्त के समाप्त सप्ताह में 7.5 अरब डॉलर बढ़कर 674.9 अरब डॉलर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय खजाना को देखकर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट को भरोसा है कि भारत की इकोनॉमी कहीं नहीं जाने वाली। इंडिया जो है, it is going to be the driver of global growth, ya kya India jo hai wo next China banne ja raha hai? India ke paas bahut sari opportunities aa rahi hain and India can be the next economic powerhouse. Dekhen, China jo hai wo ek global growth ka driver raha hai takriban 30 saal tak, aur kaha jata hai ki jo global GDP hai, jo global gross domestic product hai, उसकी 25% जो है वो चाइना जनरेट करता था तकरीबन 1990 से लेके 2020 तक। इसी हवाले से चाइना, अगर इंडिया के हवाले से भी बात करें तो बेसिकली चाइना जो था वो तो चलता रहा, लेकिन इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए तकरीबन 3 decades तक, ताकि इंडिया अपने आप को जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसमें सिंक कर सके। If India, which is had a potential, अगर 7-8% वो चल रहा है, अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्शन का पहिया तेज करे, डबल डिजिट ग्रोथ पे चला जाए, तो इंडिया इजिली कैन इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। यही तो वो चीज है कि अमेरिकन एंड सारे के सारे वेस्ट खड़े हैं, अमेरिकन की बात करूंगा, नॉट द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो चाहते हैं कि हम ये जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना और ताइवान से उठा के इंडिया ले जाए एज ए फ्रेंड शोरिंग पॉलिसी। ठीक है जी। सो ये जो ट्रांजिशन है, अगर ये होती है तो इंडिया विल बी एन एक्सपोर्ट पावर हाउस, एक्सपोर्ट का पावर हाउस होगा इंडिया। सो चाइना ने ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज लिया, और चाइना इज अ की इकोनॉमिक जो पावर हाउस के तौर पर अमर्ज हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1990s।
और सारा कुछ हुआ। अभी उनको पता चला हो जब ये सारे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट चले गए चाइना को, तो अभी वो बात कर रहे हैं डी ग्लोबलाइजेशन की कि कैसे किया जाए। हम तो कहते हैं ना इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि इंडिया जो है उसके पास भी एक एडवांटेज है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस है, ठीक है जी। जो आप समझे कि बड़ी तादाद में, तकरीबन आप समझे कि 500 मिलियन लोग जो हैं, ठीक है जी। चाइना के पास तकरीबन 900 मिलियन लोग हैं, कंज्यूमर बेस की बात कर रहा हूं। बाय 2030 इंडिया की जो कंज्यूमर बेस है दैट इज गोइंग टू एक्सपेंड बाय 773 मिलियन, तीन पाकिस्तान जो है ना वो कंज्यूमर बेस होंगे। इसीलिए तो गोल्डमैन सैक्स जो है दैट पुट पाकिस्तान एज ए 12th नंबर in 2075 एज ए बिगेस्ट इकोनॉमी, 12वीं इकोनॉमी रखता है। इंडिया को दूसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमी एंड पाकिस्तान को 12वीं बड़ी इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। सो इंडिया देखिए, इंडिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया चल रहा है, इंडिया उस डायरेक्शन पे जाने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल। चाइना जो है उसने भी यही किया। अब इंडिया जो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहा है एंड इसके जो ग्लोबल कनेक्शंस हैं, ठीक है, अब चाहता वेस्ट चाहता ये है, अमेरिकन ये चाहते हैं कि हम इंडिया को उठाएं खुद सपोर्ट दे के, सहारा दे के, कंधा दे के, और फिर उसका फ़ायदा उठाएं इंडिया से कि देखो हमने तुम्हें ये मदद की, हमने तुम्हें ये दिया, हम तुमसे ये चाहते हैं, और तुम देखो अब हमारे साथ खड़े रहना, हिलना ना यहाँ से, अब हमारे जो इंटरेस्ट है उनको वॉच करना, ठीक है। सो हम आपको, सो इंडिया दे वांट टू मेक, यू नो, द वेस्ट वांट्स टू मेक इंडिया एंड अदर जर्मनी एंड अदर फ्रांस एंड अदर स्पेन कि मतलब इतना वो हो गए, स्टेबल हो जाए, हमारे साथ खड़ा रहे और हमें आंखें ना दिखाए। इन्हीं स्टैटिस्टिक्स की बेस के ऊपर सारी की सारी वो जो दुनिया है ना वो इंडिया के ऊपर आके बैठ रही है, और जिनके अंदर ना मक्खियां एक जगह पे आके बैठते हैं, दे कमिंग एंड दे सिटिंग देयर नोइंग कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, और चाइना जो है उसकी डिक्लाइन नजर आ रही है। आंसर क्या दिया है बेलारूस को कि अब हम आत्मनिर्भर चाइना की तरफ जा रहे हैं, अब हमने इंपोर्ट करनी बंद करनी है। आपने कभी ये वर्ड पहले सुना है कभी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आत्मनिर्भर आपने कभी सुना हो, और भी चाइना बोल रहा है, यानी कि कॉपी भी करने की इतनी इनकी आदत है कि कोई भी मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं ये लोग कॉपी कर लेते हैं। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया अब हम जो मीट है, ग्रेन्स है, वो हम अपनी ही कंट्री में इसको प्रोड्यूस करेंगे, अब हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। और भाई सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो आप अमेरिका से कर रहे हैं, उसको तो बंद नहीं किया, बेलारूस को बंद करने की जरूरत क्या थी? समझ नहीं आई। तो ये अमेरिका के इशारे के ऊपर ये काम किया गया है ताकि पुतिन का जो एक सबसे करीबी दोस्त है उसको तंग किया जाए, उसकी इकोनॉमी का भट्ठा बढ़ाया जाए और थोड़ा सा डेंट पड़े यहां पर इसको पुतिन को। ट्रंप ने आकर इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया, जो सारा कुछ चाइना से बंद बनकर इंपोर्ट आ रहा था उसको बंद किया, अमेरिकन जो इंडस्ट्रीज है उसको चालू किया। आपको दस्तक सेम नहीं दिखती जो कुछ भारत में हुआ है? 2014 के बाद यहां पर भी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई, हमने मेक इन इंडिया के ऊपर काम किया, इंडिया फर्स्ट का नारा लगाया और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करी। ट्रंप यही काम करता था, इसलिए जो इकोनॉमी है उसको वो उसके चार चांद लगा दिए जब ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट बना था, कि अनाप शनाप जो ये खर्चे हो रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर इन युद्ध के ऊपर, 20 साल लड़ते रहे, अगर वही पैसा आप अपनी कंट्री में लगाएंगे तो तरक्की आती है, वही ट्रंप ने किया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी का क्या होगा, इकोनॉमी बेटर होगी जैसे ट्रंप ने पहली बार करके दिखाया था, और आगे भी ऐसे ही होगा। और यही चीज है जो चाइना नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका अगर आत्मनिर्भर की बात करेगा तो फर्क किसको पड़ेगा, आज की डेट में $500 बिलियन का डेफिसिट है हर साल का चाइना के साथ अमेरिका का। तो अगर ट्रंप आते हैं वो तो इसको बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। इन 3 मंथ्स यू विल सी अ वीक डिप्लीटेड चाइना, वही फ्रेजाइल 5 जैसे हम थे वैसे ही चाइना आपको फ्रेजाइल 5 में आता हुआ दिखाई देगा। और यही डर है जिसके कारण चाइना भी ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है।